करंट अफेयर्स, समसामयिक घटना चक्र, हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। देखो करंट अफेयर्स में जहाँ तक मेरा अभी तक का अनुभव है, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ज़्यादा पूछा जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या होना चाहिए। पहले थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, फिर मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 चीज़ें बता के फिर आज का फिर हम लोग डेली करेंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल क्यों रखता है, क्या कारण है कि करंट अफेयर्स अब ज़्यादा पूछा जाता है। पहले तो एक क्वेश्चन ये है कि करंट अफेयर्स पे अब आयोग क्यों इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। वैसे कोई पहली घटना नहीं है, पहली बार नहीं कि करंट अफेयर्स पूछना चालू, ये हमेशा से रहा है, ट्रेंड रहा है। समसामयिक घटना चक्र पूछना भी चाहिए ताकि एक अवेयरनेस पता चले आपके अंदर के कि अभी हाल फिलहाल में जो कुछ चल रहा है पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरा भारत में, वो उस पर आप नज़र रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। इससे आपकी एक अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी का भी पता चलता है, अवेयर हैं कि नहीं है, जागरूक हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ कमरे के बंद तक की जानकारी पता है आपको, ठीक है। चूँकि एक आप अखिल भारतीय एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बड़े स्तर का परीक्षा, तो आपको अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय बारे में पूछना है, तो पूछा जाना जरूरी है। पहली बात तो इसका बहुत बड़ा रोल है। अब देखो आयोग इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं, 50 क्वेश्चन तक करंट अफेयर्स के आ जा रहे हैं, 50% रोल हो जा रहा है करंट अफेयर्स का। जो ट्रेडिशनल आ रहा है उसमें भी करंट का कहीं ना कहीं पे योगदान दिखाई देता है कि करंट की घटना के कारण से ट्रेडिशनल पूछ दिया गया। कारण क्या है, देखो आयोगों ने बहुत लंबा समय हो गया इन आयोगों को बहुत लंबा समय हो गया। भारत की आज़ादी के बाद से लगातार ये एग्ज़ाम ले रहे हैं और भारत में प्रशासनिक सेवाओं को भर्ती कर रहे हैं। अब इन आयोगों ने इतनी अवधि में पूरे सिलेबस को इधर से उधर कर दिया है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। यदि मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, आप 1990 से अब तक का पूरा पैटर्न लीजिए, 1990 से लेकर 2018, ठीक है, यानी कि 28 साल की अवधि है ये। 28 साल की अवधि में यदि आप थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि आयोग ने पूरा सिलेबस पहुंच डाला है, ट्रेडिशनल में कोई टॉपिक बचा ही नहीं है। 28 साल में ऐसा कोई टॉपिक आपको नहीं मिलेगा जो आयोग ने ना पूछा हो सिलेबस का। तो आयोग के पास दूसरा चारा ये बनता है कि या तो इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कराया जाए, जो कि UPPCS में आमतौर पर हम देखा, 16 में देखा, 15 में देखा, पिछले साल के क्वेश्चन, इस साल भी देखा कि क्वेश्चन रिपीट हुए थे काफ़ी, 18 में क्वेश्चन रिपीट हुए। तो रिपीटेशन तो एक ये तरीका है उसके पास कि पिछले क्वेश्चन को ही फिर पूछ दिया जाए, यानी रिपीट कर दिया जाए क्वेश्चन। दूसरा है कि नए क्वेश्चन बनाए जाए। नए क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ से बन सकते हैं, वो है करंट अफेयर। इसलिए आयोगों की मजबूरी हो गई है कि वो करंट अफेयर्स पूछते हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स पूछना चाहिए क्योंकि आपकी अवेयरनेस पता चलती है, आपको देश दुनिया के बारे में जानना चाहिए। करंट अफेयर्स पढ़ने के तरीके में मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बाकी सब चीज़ें आप जानते हैं, 50 जगह से आपको सोर्स पता है, ये पढ़ना चाहिए, कोई मैगजीन, 50 मैगजीन आपको पता है। मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स लिमिटेड सोर्स से पढ़ना चाहिए, लिमिटेड और सिलेक्टेड। यदि आप 50 चीज़ों के चक्कर में जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। मैं अपना बताता हूँ, शुरुआत में जब न्यूज़पेपर पढ़ते थे, मैं शुरू की बात करूँ, कुछ पता नहीं था कि न्यूज़पेपर पढ़ते कैसे हैं, पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ने पढ़ने में 6-7 घंटे का समय जाता था, सच बताऊं मैं। राष्ट्रीय संस्करण आता था, इकोनॉमिक्स टाइम्स लगा रखा था और राष्ट्रीय संस्करण आता था, तो उनको पढ़ते 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 पता चला गया पूरा दिन निकल गया, ख़त्म तब भी नहीं होता था, संतुष्टि नहीं होती थी। फिर योजना उठा लेता था, किसी ने कह दिया था कि योजना पढ़ लो, किसी ने कह लिया कुरुक्षेत्रा पढ़ लो, योजना पढ़ लेते थे, कुरुक्षेत्रा पढ़ लेते थे, विज्ञान प्रगति लिए उठा लाते थे, पढ़ नहीं पाते तो ख़त्म नहीं होती थी, तो गिल्ड महसूस होता था। एक सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल भी मिल गया। मतलब करेंट अफेयर्स के मामले में UPSC और PCS के बच्चे हफ्सी टाइप के होते हैं, किधर से मिल जाए, उनको लगता है सभी बराबर है, सब हमें बड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा करंट अफेयर्स का, चूंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है। मार्केट में आपको 50 कोचिंगें हैं जहाँ से मटेरियल निकल रहा है, खबर अब आज के समय बड़े स्तर पे बेची जा रही हैं, तो खबर बेचने का सिलसिला चल उठा है। तो आपको इतना सेलेक्टिव होके पढ़ना है कि आपका काम हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते? आता तो होगा, आने के बाद फिर कुछ नहीं तो शाम को जब खाना खाने बैठते होंगे तो नीचे दसाने के काम आता होगा, तुरंत लगाया खाना, कहाँ है आज का न्यूज़पेपर, तुरंत आया, तुरंत लगाया, खाया पिया, फिर उसको रख दिया मोड़ के, ये भी काम होता होगा उसके साथ। अरे 90% केस यही है, द हिंदू आता है, हिंदी मीडियम का बच्चा हिंदू तो बड़े शौक से मंगवाता है, हिंदू आता है मेरे पास, लेकिन उसका यूज कहाँ करता है। एक दफे उसका सम्मान करते हैं राष्ट्रीय संस्करण का, समझ रहे हैं।
न्यूज़पेपर पढ़ें कैसे, थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे इस पर, फिर आगे बढ़ जाएंगे। बड़ा आसान तरीका है मेरे हिसाब से, न्यूज़पेपर पढ़ने 15 मिनट पढ़ना चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। 15 मिनट इनफ और इनफ। यदि 15 मिनट ज़्यादा पढ़ते हो टाइम वेस्ट करते हो, ये चीज़ मैं प्रूव कर दूंगा आपको। और सप्ताह में एक दिन निकालना चाहिए जिसमें आपको 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। 6 दिन सप्ताह में, 7 दिन होते हैं, तो 6 दिन आपको 15 मिनट पढ़ना है। 6 डेज 15 मिनट स्ट्रेटजी होनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की। और जो 7वां दिन हो आपका, उसमें 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए बस। यदि मैं 6 दिनों के 15 मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कितना टाइम होगा, 1.5 घंटे, है ना। मैं कहता हूँ 2 घंटे, 6 दिनों में 2 घंटे और इधर 4 घंटे, कितना हो गया, 6 घंटे टोटल न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए एक बच्चे को। लेकिन हम कर क्या देते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने में, कितना ले जाते हैं न्यूज़पेपर को खींच के, 1 सप्ताह में इससे ज़्यादा भी जाता है। जो लोग बड़े सिंसियर होते हैं न्यूज़पेपर के बिना उनको नींद नहीं आती है, जैसे मेरे साथ है कि मुझे बिना न्यूज़पेपर जब मैं नहीं पढ़ लेता शाम सुबह तक का, तो नींद ही नहीं आएगी, अजीब सा लगेगा। पर डे 15 मिनट 20 मिनट पढ़ना है तो पढ़ना है, मजबूरी है वो, मतलब अजीब सा हो गया, इतनी हैबिट क्रिएट हो गई कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही है चाहे जो भी हो जाए, अजीब सा लगता है आज जैसे कुछ छूट गया हो। तो न्यूज़पेपर एक हैबिट बन जाती है बड़े स्तर की, यदि आप डेवलप करते हैं तो। लेकिन उसमें टाइम इतना वेस्ट कर देना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम उसी पे 5-6 घंटे 7 घंटे लगाएंगे, 14-15 घंटे सप्ताह के लगाएंगे, तो दूसरे सब्जेक्ट कब पढ़ेंगे। कैसे पढ़ना है मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, यदि उस तरीके को फॉलो कर ले गए ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कम समय में वो जानकारी मिलेगी जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक, तरीका क्या है समझते हैं, कुछ लोग मेरा तरीका जानते भी होंगे हो सकता है, है ना, लेकिन एक बार मैं उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। तरीका क्या है, बहुत आसान है तरीका, न्यूज़पेपर डेली नहीं पढ़ना। आज का जैसे मान लीजिए आज मंडे है, हम एक बार इस पे बनाते हैं अपना पूरा कंप्लीट, वो आज मंडे है, कल फिर ट्यूसडे है, फिर वेडनेसडे है, फिर इसके बाद थर्सडे है, फिर इसके बाद आपका फ्राइडे है, फिर आपका सैटरडे है, इसके बाद संडे है। अब आपको एक दिन अपना डिसाइड करके रखना है जिसमें 4 घंटे रखना हो, कोई भी दिन रख सकते हैं, फ्राइडे रख सकते हैं, सैटरडे, जब आपकी मर्जी हो, संडे भी रख सकते हैं, 4 घंटे आप इसको करंट अफेयर्स डे के रूप में ले सकते हैं, आपकी मर्जी। करंट अफेयर्स डे वो डे होता है जिस दिन छुट्टी होती है, उसको करंट अफेयर्स डे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लोग फ्राइडे ऑफ करते हैं तो फ्राइडे को आप करंट अफेयर्स डे के रूप में मना सकते हैं। यदि आप संडे को फ्री रहते हैं ऑफिस में काम, जो जॉब वाले हैं संडे को फ्री होते हैं, तो आप संडे को अपना करंट अफेयर्स डे बना सकते हो। ठीक, मैंने आपसे कहा आप न्यूज़पेपर ले कौन सा, न्यूज़पेपर देखो सिंपल और आसान, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, पढ़ना चाहिए पहली बात तो ये तय है। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते थोड़ा दिक्कत है, हिंदी मीडियम का कोई अच्छा न्यूज़पेपर नहीं है, दिमाग में बैठा लो, हिंदी मीडियम का न्यूज़पेपर है ही नहीं। लेकिन तसल्ली रखने के लिए है भी, क्योंकि समस्या है आप हो गए हठी आदमी, पढ़ेंगे तो हिंदी में पढ़ेंगे, राष्ट्रभाषा है, पैदा हिंदी के साथ हुए थे, इंग्लिश का पढ़ लें हम। तो यदि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, देखो मैं आपको अच्छी सलाह यही दूंगा कि आप द हिंदू पढ़ें, और जिसके साथ द हिंदू बहुत ज़्यादा दिक्कत है, पता चला डिक्शनरी लेके ही 4 घंटे बैठा हुआ है, तो उससे अच्छा है कि वो राष्ट्रीय संस्करण आता है दैनिक जागरण का, अच्छा है। अब राष्ट्रीय संस्करण लोकल वाला नहीं कि जो घर गांव देहात में आता, जो आपको न्यूज़पेपर भेजा जाता है ग्रुपों में, वही है राष्ट्रीय, ऊपर लिखा होता है राष्ट्रीय संस्करण, उसकी हार्ड कॉपी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है, सॉफ्ट कॉपी तो भेज दी जाती है जो हार्ड कॉपी नहीं पाते। तो राष्ट्रीय संस्करण आप ले लीजिए हिंदी मीडियम में, और द हिंदू यदि आप इंग्लिश समझ पा रहे हैं तो द हिंदू पढ़ लें तो बेस्ट है, पूरा सोने में सुहागा। टाइम्स ऑफ इंडिया कोई नहीं पढ़ेगा, आधा तो एडवर्टीजमेंट आता है फिर उसका दिल्ली टाइम्स मन भटकाता है। ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं कोई पढ़ेगा, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा न्यूज़पेपर है लेकिन क्यों पढ़ें, उसमें भी ज़्यादा पेज है। जब हमारा काम द हिंदू कर रहा है, कम पेज दे रहा है और बहुत सिलेक्टिव न्यूज़ दे रहा है, तो हम क्यों पढ़ें किसी और को। ठीक है, तो पढ़िए तो सिर्फ द हिंदू पढ़िए। लेफ्टिस्ट रहने दीजिए, हमें क्या मतलब, ये थोड़ा बता देगा कि भारत सरकार ने ये योजना पास की है, योजना तो सही बताएगा भारत सरकार की, लेफ्टिस्ट है क्रिटिकल अप्रोच से पता चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जानकारी चाहिए सिविल सर्विसेज, वो उसी में मिलेगी, बाकी सब ऊटपटांग की चीज़ें। आधे तो एडवर्टीजमेंट के लिए, टाइम्स ऑफ इंडिया 5 रुपये का न्यूज़पेपर देता है और 50 पन्ने का छाप के देता है, क्यों छापता है, वो एडवर्टीजमेंट देता है आपको और कुछ नहीं, वो उधर से कमा रहा है। ये न्यूज़पेपर आपका लिमिटेड है, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है, मन भटकाव नहीं है, पता चला पढ़ रहे हैं इधर कश्मीर समस्या उधर प्रीटी जिंटा है, तो वो भी एक भटकाव है ना, आप प्रीटी जिंटा को देखें कश्मीर समस्या देखें, तो ये सब बहुत बहुत समस्या है। वो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया तो नहीं पढ़ने देगा, मैं गारंटेड, वो शादी होने के बाद फिर लीजिएगा, वो उधर का न्यूज़पेपर है, अभी का नहीं है भाई, यूपीएससी के लिए आपको ये बहुत क्लियर फैक्ट बता रहा हूँ।
वो मन भटकाता है, वो चीज़ें फिर कुछ नहीं, वो ह्यूमन नेचर है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? बिल्कुल है, जो फैक्ट बेस बात करेगा बिल्कुल। और उसके राइटर अच्छे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी अच्छा है, लेकिन वो भी लेफ्टिस्ट है। यदि आप इस तरीके में जाएंगे, जनसत्ता है वो इसी का ही है, इंडियन एक्सप्रेस वो भी लेफ्टिस्ट है। भारत में ये वामपंथ और इस पर नहीं जाना है, इस पर क्यों जा रहे हो आप? आपको न्यूज़ मिल रहा है, न्यूज़ के राइटर अच्छे हैं, साउथ के राइटर हैं, बहुत ज़बरदस्त राइटर है। पता चला आपको लिख रहा है जो चुनाव आयोग का सदस्य है, जो लिख रहा है उसको चुनाव सुधार पे। तो जब ऐसे ऐसे राइटर इनके पास नहीं है, पैसा नहीं दे पाएंगे उनको इतना, और इतने संपर्क भी नहीं है, समझ रहे हैं, दैनिक जागरण इन सब चीज़ों में उतने अच्छे राइटर नहीं मिल पाते, इसलिए वहाँ पे जो लिखते हैं उनकी रिपोर्टिंग वो सब बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड लेवल की है। तो मेरे हिसाब से ये करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। दूसरा विकल्प आपका है राष्ट्रीय संस्करण है, ले लीजिएगा, आप मानेंगे है नहीं, पढ़ना वही है। और नहीं तो यदि धीरे धीरे हैबिट बनाएंगे तो इंग्लिश भी समझ में आने लगेगी। यही तरीका है कि इंग्लिश आप ऑटोमेटिक पढ़ लेंगे न्यूज़पेपर से ही। कुछ दिन आपको दिक्कत लगेगी, 1,000-1,500-2,000 वैकैब आपका तैयार हो जाएगा, उसी से आपको उटाम समझ में आ जाएंगे। लेना चाहिए, लेकिन ओवरऑल अब आपको करना क्या है, देखो तरीका क्या होना चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने का। आज मेरे पास न्यूज़पेपर आया, पहली बात न्यूज़पेपर को चाय पीते हुए ठेले के दुकान पे वहाँ पर न्यूज़पेपर, ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। हम हैं सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट, हमारा काम होना चाहिए कि न्यूज़पेपर को हम बकायदा अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ें, समझ रहे हैं? हमारी जो टेबल है, टेबल में बकायदा न्यूज़पेपर रखा होना चाहिए, उसको सम्मान के साथ। ये नहीं, ये नहीं है मेरा तो अध्ययन सामग्री है, इस रूप में रखा होना चाहिए। तो आप बैठिए, सुबह सुबह निकालिए, शाम निकालिए, जब निकाल लीजिए, टाइम कोई फिक्स नहीं है। आज का न्यूज़पेपर लेकिन आज ही हो जाना चाहिए। आज बैठे 15 मिनट हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर को कैटेगरीफाइज करना है। हमने सिलेबस पढ़ रखा है, हमें ये पता है कि सिलेबस में ये चीज़ आती है ना। सिलेबस पढ़ने से हमें ये आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़पेपर की ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ नहीं है। कहीं पर सिलेबस में भारत बीजेपी और कांग्रेस के संबंध तो नहीं दिया गया है ना, भारत के राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी जितने भी जंग होती उनको तो नहीं दिया गया कहीं पर सिलेबस में, तो काहे पढ़ें? राहुल गांधी कुछ कहें, मोदी जी कुछ कहें, योगी जी कुछ कहें, हमें क्या मतलब उनसे, कहने दो, उनकी समस्या है। हमें इन सब चक्करों से पढ़ना नहीं, हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सिलेबस में दूर दूर कहीं पर लिखा नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। हम 90% खबरें वही पढ़ते हैं, बयानबाजी वही पढ़ते हैं। यदि कोई पॉलिटिशियन बयान कर रहा है मत पढ़िए उसे, यदि कोई ऑफिसर कर रहा है, कोई रक्षा भी, अब कोई मान लो मिनिस्ट्री से कोई बयान आ रहा है तो वो पढ़िए, वो काम का है। RBI की कोई बात आ रही तो ठीक है, नेताओं की बात नहीं पढ़ना न्यूज़पेपर में, बिल्कुल क्रिटिकल बिल्कुल क्लियर हो जाना है, नेतागिरी है हटा दो। अरे केजरीवाल क्या कह रहे हैं, कब अनशन में जा रहे हैं, कब जा, हमसे क्या लेना देना, बस उसको जनरल अवेयर के लिए दिल्ली में अनशन चल रहा है बस इतना पता हो, बाकी और मतलब ना रहे आपका A to Z, या आप उसका डिटेलिंग पढ़ रहे हैं कुछ कर रहे हैं। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो पहला पेज लिया, पहला पेज में लेकर कैटेगरीफाइज करके लिख दिया, अच्छा ये खबर साइंस एंड टेक्स है, ये इंडियन पॉलिटी की खबर है, ये तो पता चल जाएगा ना खबर पढ़ते ही कि कौन से विज्ञान प्रौद्योगिकी की खबर है, कौन पॉलिटी की है, कौन इकोनॉमी की है, कौन किस सब्जेक्ट की खबर है, ये पता चल जाएगा आपको एक मिनट में, पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा। 15 से 20 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, शुरुआत में हो सकता है 20 से 25 मिनट भी आपको लगें, लेकिन जैसे जैसे हैबिट में आ जाएंगे खबरें पकड़ना शुरू कर देंगे। खबर आप तभी पकड़ पाएंगे जब सिलेबस में आपकी अच्छी पकड़ होगी, तब आप सही खबर को पकड़ पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, 15 से 20 मिनट में सिर्फ और सिर्फ पूरी इसको पेपर को कैटेगरीफाइज करके रख देना है, किया कैटेगरीफाइज, ये इस पेज में ये खबर, 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 इस पेज में, किसी किसी दिन तो नो कोई खबर ही नहीं होती, किसी किसी दिन कोई खबर ही नहीं होती। मैं आप लोगों के लिए एक काम कर दूंगा, आप लोग यदि सहयोग करें तो, यदि आप लोग कहें तो, मैं आप लोगों को द हिंदू न्यूज़पेपर की डेली की 7 दिन के अंदर अंदर, जैसे आज 7 दिन हो गए, 7 दिन में कौन कौन से पेज नंबर से कौन सी खबर पढ़नी चाहिए उसकी एक PDF बना के दे दूंगा, यदि आप लोग कहें तो। द हिंदू की योजना की, कुरुक्षेत्रा की, हर उसकी एक PDF आपको मैं आजाद इस एकेडमी का एक फेसबुक पेज है उसमें जाके अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाइए वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ये काम मैं कर सकता हूं, आप यदि इतना यदि सहयोग कहेंगे तो मैं कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं खुद पढ़ता हूं, मेरे पास टॉपिक रहते हैं डेली के, मुझे बस उसे टाइप करवा करके चढ़वा देना है। अच्छा इसके पास फेसबुक ही नहीं है? एक ऐसी ID बना लीजिए जिसमें नो फ्रेंड हो। अच्छा उसमें प्रीति जिंटा आ जाती है, मन भटकेगा तो फिर। हाँ
टेलीग्राम हो सकता है या टेलीग्राम चैनल पे डाल दें, ये क्या चैनल पे डाल दें। मैं ये काम कर दूंगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं, क्योंकि मैं डेली करता हूँ ये काम। मैं आपको बस किसी के इस दिन मैं बताऊँ, द हिंदू ऐसा होता है कि पढ़ना ही नहीं। आजकल उसमें लिखा होता है कि लिख दूंगा कि नो, इसको पढ़ना ही नहीं आज के को, नो न्यूज़ है ही नहीं, कोई खबर ही नहीं पढ़ने लायक। देखो क्लियरली, बहुत अच्छे से, यदि आप कहेंगे तो एक बार आप देखेंगे आपका टाइम ही खत्म हो जाएगा। या फिर आप सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करें और खुद कैटेगरी बनाएं, मत मेरे चक्कर में पड़िए, ये भी हो सकता है। दो तरीके हो सकते हैं, देख लेंगे, यदि आप लोग कहेंगे सहयोग तो मैं करना शुरू कर दूंगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। सारी मैगजीन्स का मैं डाल दूंगा एक जगह पे। तो इसमें आपको पेपर को 15 से 20 मिनट में कैटेगरीफाइज, आज का कर लिया, फिर अगले दिन आया, फिर 15 से 20 मिनट बैठे कैटेगरीफाइज कर लिया, फिर इस दिन का भी कर लिया, इस दिन का भी कैटेगरीफाइज किया, इस दिन भी कैटेगरीफाइज किया, इस दिन भी किया, अब इकट्ठा हो गया 6 दिनों का पेपर मेरे पास। ठीक, संडे को मेरी छुट्टी थी तो संडे को मैं बैठा और सुबह का पेपर भी कैटेगरीफाइज कर लिया जो संडे को आया। ठीक, ये आपकी एक तारीख थी, ये दो तारीख, तीन तारीख, चार तारीख, पाँच तारीख, छः तारीख, सात तारीख। अब मैं न्यूज़पेपर, मैंने ये कैटेगरीफाइज करके सिर्फ रख दिया था कि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है मेरे दृष्टिकोण से और यही मुझे पढ़ना है। ठीक है, अब मुझे करना कुछ नहीं है, न्यूज़पेपर मैं उल्टा पढ़ूंगा, एक तारीख से तो पढ़ूंगा ही नहीं, न्यूज़पेपर सात तारीख से पढ़ूंगा। पहले सात को पढ़ूंगा, फिर छः को पढ़ूंगा, फिर पाँच को पढ़ूंगा, फिर चार को पढ़ूंगा, फिर तीन को पढ़ूंगा, फिर दो को पढ़ूंगा, फिर एक को पढ़ूंगा। इससे बेनिफिट क्या होगा पूछो? बेनिफिट ये होगा, यदि पुलवामा अटैक एक तारीख को हुआ होगा तो उसका कंक्लूजन साथी को मिल जाएगा मुझे, और एक तारीख में मैंने पुलवामा अटैक को यदि टिक किया होगा तो मैं काट दूंगा। हो सकता है एक तारीख तक आते आते यहां पे हुआ होगा, फिर अगले दिन जांच चली होगी, उसकी घटना ही होगी, अगले दिन भारत की प्रतिक्रिया उसी दिन आई, फिर पाकिस्तान की, फिर विश्व के अन्य देशों की प्रतिक्रिया, फिर हो सकता है भारत द्वारा उस पर कार्रवाई की बात कही गई हो, पाकिस्तान ने उसको अगले दिन कुछ जवाब कार्रवाई दी हो, अगले दिन एक बढ़िया मुझे 7 तारीख को आर्टिकल मिल गया जिसमें पूरी सामग्री आ गई। तो बाकी जितनी मैंने टिक मारी थी सब मेरे लिए बेकार हो गई खबरें, क्योंकि मुझे लास्ट दिन तो पता ही है कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ। मैं क्यों पढ़ूं कि फाइटर प्लेन यहां से गए वहां से गए, क्यों पढ़ूं? मोदी उड़े, अपने उड़ने के बाद पहुंचे यहां पे अमेरिका, इस दिन उड़ना था तो पहले खबर आई कि मोदी जी को उड़ना है ना, उड़ करके जाना है अमेरिका, तो एक दो दिन से खबर चलना चालू, पहले से ही चालू, ये होगा वो होगा ऐसा चलेगा। इस दिन बैठे, उस दिन फिर खबर आई, उसको भी मैंने टिक किया। इस दिन पहुंचे वहां पर, उसकी भी खबर आई उसको। इस दिन वहां पे भारतीयों को संबोधित किया, उसकी भी खबर आई। अगले दिन वहां पर बैठ करके मीटिंग हुई उसको, 7 तारीख को कंप्लीट है कहा गया आर्टिकल कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था। तो जितनी खबर आप टिक करोगे ये भी उल्टा पढ़ेंगे हम, पहले 7 को पढ़ेंगे, फिर 6 को पढ़ेंगे, फिर 5 को पढ़ेंगे, फिर 4 को पढ़ेंगे, फिर 3 को पढ़ेंगे, पता चलेगा यहाँ की खबरें तो रिलेवेंट खत्म ही हो जाएगा उनका रिलेवेंस, बहुत कम खबरें ही बचेंगी, क्योंकि खबरें रिपीट होती हैं। यदि आप एक तारीख से पढ़ना शुरू करोगे तो आप खबरों को रिपीट ही करते चले जाओगे। आप फाइनल कंक्लूजन पढ़िए, आप डेली की खबरें मत पढ़िए। ये तभी हो सकता है जब आप न्यूज़पेपर को उल्टा पढ़ें, और ये 4 घंटे में बड़े आराम से ख़त्म हो जाता है, 4 आवर इनफ होता है बस। तो डेली का 20 मिनट, 15 मिनट और एक दिन का 4 घंटा। अब जब मैं इस दिन पेपर पढ़ने बैठा था तो साथ में एक कैंची लेकर भी बैठा था, साथ साथ में कटिंग करके भी चल रहा था, और मेरे इन्वॉल्व थे, मेरी कॉपी थी जिसमें मैं पेस्ट भी करता जा रहा था। अच्छा ये साइंस का है, साइंस वाले इन्वॉल्व में डाल दिया, अच्छा ये पॉलिटी का है, पॉलिटी वाले इन्वॉल्व में डाल दिया, अच्छा ये इकोनॉमी का इकोनॉमी के इन्वॉल्व में डाल दिया, अलग अलग इन्वॉल्व बना रखे मैंने हर टॉपिक के। जैसे ही न्यूज़ मुझे मिली उस न्यूज़ को मैंने हर एक इन्वॉल्व में अलग 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 करके डाल दिया। इकट्ठा होता जा रहा है, ये न्यूज़पेपर आज के लिए खरीद रहे हो क्या आप? ये तो उस दिन है जिस दिन एग्जाम होगा, मेरे अब एग्जाम का दिन में इकट्ठा हो गया, पूरा कलेक्शन कर इकट्ठा हो गया। बाकी न्यूज़पेपर जो कटिंग पुटिंग के बाद, सर्जरी करने के बाद बचे, उसे खाने के नीचे लगाओ, पानी के नीचे लगाओ, बेच दो कबाड़ी को ताकि वापस पैसा मिले, तो उस न्यूज़पेपर वाले को रिफंड कर दो। करते क्या लोग, लोग इकट्ठा करते फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, कबाड़ी को थोड़ा ना पीसीएस देना है। हाँ, तो आप जो है इसकी कटिंग इकट्ठा कीजिए, चाहे इसको कॉपी में एक जगह पेस्ट कीजिए, चाहे इन्वॉल्व बना करके डालिए, चाहे जैसा कीजिए, लेकिन आपको ये इकट्ठा करना पड़ेगा क्योंकि काम किसी और दिन आना है। यहीं पर अंडरलाइन करते चले गए न्यूज़ में, यहीं पर इसको कटिंग करके अपने इन्वॉल्वों में डाल दिए, इकट्ठा करते गए पॉलिटी की, हिस्ट्री की, हर तरीके की। तो ये हो गया आपका काम कंप्लीट न्यूज़पेपर का।
होता जा रहा है, होता जा रहा है, इकट्ठा हो, जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ डेली होता जा रहा है। 20-20 मिनट में ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा, पढ़ते चले जाओगे और एक दिन जा कर के इकट्ठा कर लो। वही बहुत बड़ा काम है। न्यूज़पेपर बड़ा आसान है, 6 घंटे क्या कुछ कुछ दिन बाद 5 घंटे भी, 5 घंटे 4 घंटे में भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे मैं अभी भी पढ़ता हूँ, मुझे बहुत कम समय लगता है। सुबह आया, उस सुबह तुरंत टिक मार्क हो गया। टिक मार्क हो के जैसे आज किसी दिन सुबह नहीं कर पाए, शाम को पहुँचे तो पहुँचते ये होता कि खाना खा रहे हैं साथ साथ टिक करते जा रहे हैं। टिक करने के बाद जो खाने के साथ मैंने मना किया है कि खाने के साथ न्यूज़पेपर नहीं खाना है, उसको अलग ही न्यूज़पेपर के साथ बैठ के, ठीक है अलग बैठ के, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता तो करना पड़ता, मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन आपका काम है उसको टेबल में बैठ करके आराम से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वही टिक करेंगे, वही जो आपको बाद में पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसके बाद जो है आराम से आप ये काम करें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, आपका बहुत कम समय, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कैटेगरीफाइज होगा। कल के दिन आपको कोई चीज़ पढ़नी होगी तुरंत आप जाएंगे, तुरंत नोलब खोला, पॉलिटिक न्यूज़ देखी, अच्छा सारा कुछ सिस्टम से हो गया। तो कैटेगरीफाइज अभी से करते चलें, बात का सीन क्यों क्रिएट करें, ठीक। एक काम तो ये, दूसरा लोग कहते हैं मैगजीन पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। जो चीज़ न्यूज़पेपर से छूट जाती है वो मैगजीन करता है। द हिंदू आईएएस के लिए नहीं छापता है, द हिंदू देश की चुनिंदा खबरों को छापता है। आईएएस के लिए एक आपको मैगजीन लेनी पड़ेगी, बिना मैगजीन के कैसे होगा आपका। और मैंने आप लोगों को सलाह दिया था कि एक दृष्टि पब्लिकेशन की करंट अफेयर्स टुडे आती है, मंथली आती है, आपको मंथली पढ़नी चाहिए। और परीक्षा मंथन की लक्ष्य सीरीज आती है जो राउंडअप आता है पूरा ईयरली का, दो मैगजीन आपको बता रखी हैं, एक जो वार्षिकांक आता है पूरा परीक्षा मंथन का लक्ष्य के नाम से, और दूसरा मैंने आपको बता रखा है दृष्टि का करंट अफेयर्स टुडे। कुछ लोग सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ते होंगे, कोई बुराई नहीं है, प्रतियोगिता दर्पण एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो जरूर पढ़ें, पीसीएस के लिए और उसके लिए ना पढ़ें तो अच्छा है। एसएससी के लिए या फिर अदर जो भी एग्जाम है उनके लिए बहुत अच्छी मैगजीन है। लेकिन आईएएस के लिए कहें तो आईएएस के लिए है तो, लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमें नहीं पढ़ना है, वो सिविल के लिए नहीं है, वो उसमें एसएससी भी है और भी चीज़ें इंक्लूड हैं। सिविल के लिए अलग प्रोस्पेक्टिव है, लेखन शैला है, बहुत सारी चीज़ें, उसका जो आर्टिकल आएगा उसका दायरा भी अच्छा होगा। ओवरऑल मैगजीन की मैं बुराई नहीं कर रहा, उसके आर्टिकल अच्छे होते हैं, लेकिन जो खबरें हैं वो उतनी बड़े स्तर की नहीं होती हैं। अब वो आर्ट एंड कल्चर नहीं छापेंगे, वो राष्ट्रीय क्रॉनिकल है पूरा क्लियर करके छापता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ऐसे करके छाप देता है, इथिक्स भी छाप देता है, ये प्रतियोगिता दर्पण नहीं करता, दृष्टि भी यही काम करने लगा है। तो इसलिए बेहतर है कि इन दोनों में से कोई एक मैगजीन चुन लीजिए। मंथली मैगजीन पढ़नी कैसे चाहिए, मंथली मैगजीन जितने पेज की हो भाग दे देना चाहिए उसको, मंथली पेज मैगजीन को 20 से भाग दे देना चाहिए टोटल पेज को। मान लो 100 पेज हैं, 20 से भाग दे दिया कितना आया, 5 पेज डेली पढ़ना है, डेली का टारगेट मेरा 5 पेज है, 20 दिन में ख़त्म करना है। अब आप तो इतने रेगुलर आदमी है नहीं कि 20 दिन में कर लेंगे, ख़त्म करते करते भी आपका 30 दिन तो हो ही जाएगा, गाड़ी लेट होते होते कितना लेट होगी, लेकिन इतना लेट भी ना हो जाए कि अगले की 2 मैगजीनें और पेंडिंग हो जाए। हर महीने की मैगजीन आती जाए, डेली के टारगेट हों, उस मैगजीन को आप वैसे 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 ख़त्म करते चले जाएँ, बढ़िया। न्यूज़पेपर इधर से चल रहा है, उसी का रिवीजन मैगजीन में होता जा रहा है, और क्या करना है आपको। थोड़ा सा एनालिसिस लेवल पूछता है, इसके लिए कुछ मैगजीन और आती हैं, जैसे कि कुछ कहते हैं योजना पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी, ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन योजना के 10 के 10 आर्टिकल पढ़ने चाहिए कि 1 आर्टिकल पढ़ना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। 1 पढ़ना चाहिए 2 पढ़ना चाहिए 3 पढ़ना चाहिए। योजना का मतलब थोड़ा ना कि पूरी योजना लिए चट कर जाए, तब तो उसे ही चट कर लीजिए, इधर का जीएस बच गया आपका, कुरुक्षेत्र पूरी लिए पूरी चट कर जाए, ऐसे ना पूरी योजना पढ़ी जाती ना पूरी कुरुक्षेत्र पढ़ी जाती। उनके शुरुआत के 1-2 आर्टिकल पढ़ लीजिए, वो एक विषय पर आधारित होती है मैगजीन। यदि योजना आएगी तो 1 महीने का पूरा 1 विषय होगा, उसी विषय पर डिफरेंट जो राइटर है उनके विचार होंगे और कुछ नहीं। तो सिर्फ 1 आर्टिकल कोशिश कीजिए, शुरुआत का पहला आर्टिकल ले लीजिए। यदि कोई आर्टिकल ऐसा लगता है उसका जो आर्टिकल यूनिक है अपने आप में, कुछ अलग नॉलेज रखता है, तो भी उसे आप पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं बात को, पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए उस मैगजीन को। लेकिन अब ऐसा नहीं कि उसको जुहा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, उसमें भी देखिए आज की इस बार की योजना, अच्छा पॉलिटी से जुड़ी हुई है, उसमें लिखा पॉलिटी, उसका वो आर्टिकल पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद सम्मानपूर्वक फाड़ दिया, फाड़ने के बाद अपने जो है इन्वॉल्व में डाल दिया, पॉलिटी के इन्वॉल्व में पॉलिटी का वो चला गया। कुरुक्षेत्र देखा, अच्छा इकोनॉमी से जुड़ी हुई इस बार की कुरुक्षेत्र, ग्रामीण विकास से, उसको यहाँ से निकाला, उसको वहाँ पे इकोनॉमी के फोल्डर पे डाल दिया, बाकी को भेज दीजिए, रख के दुकान खोलनी है, हाँ। तो हमें जो है बड़ा सिस्टमेटिक होना पड़ेगा, करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। यदि करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ने लगे आपकी उम्र ख़त्म हो जाएगी, करंट नहीं ख़त्म होगा, इतना करंट है हमारे, ठीक है।
घटनाएं भी कौन सी पढ़नी है ये थोड़ा सा यदि आप पिछले साल के क्वेश्चन पे जाएं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, या तो एक बार सिलेबस को सही समझ लें तो बहुत क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। पीसीएस में थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, यूपीएससी में आपका एनालिसिस होना चाहिए, आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, गंभीर और गहन जानकारी। यूपीएससी छोटी मोटी जानकारी नहीं पूछता, चार कथन दे दिए पता, तीन तो पता थे, चौथे में और चौथा ही पूरा निर्णायक है। ऐसा ऑप्शन देते हैं कि चौथा नहीं पता तो कुछ नहीं पता, बोलते हैं ना कक्ष नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वैसे ही उसमें यूपीएससी के चारों ऑप्शन पता हो, नहीं तो विकल्प पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा आपका, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल आपको कुछ ऐसा बना के चलना है कि आपको करंट अफेयर्स अपना खुद से, इस चीज को ये मत डिपेंडेंट मत होइए किसी के ऊपर। क्यों डिपेंडेंट क्यों ना हो ये भी मैं बता दूं, डिपेंडेंट यदि किसी के ऊपर होंगे तो करंट अफेयर जो वो पढ़ाना चाहेगा सिर्फ आप उतना पढ़ेंगे। जैसे मान लो संस्था के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं आप लोग, तो हम लोग जितना चाहें उतना पढ़ा के निकल जाएं, लेकिन उतनी नहीं है ना करंट अफेयर्स। कोचिंगें क्या करती, खाना पूर्ति करती हैं, देखो साफ सीधी सी बात, करंट अफेयर्स के मामले में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा है, उसी को पढ़ाते पढ़ाते साल भर चला गया ना तो जीएस पढ़ा पाए। कोचिंगों का काम है जीएस अच्छे से पढ़ाना, करंट पढ़ाना नहीं होता है, यदि करंट पढ़ाने लगे तो वो बर्बाद हो जाएंगे। करंट्स की इसीलिए मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन से आप करके आप काम कर सकते हैं। रही बात हमारी, हम करंट अफेयर्स करेंगे, मैं आपको हर चीज़ का ग्लिम्स लेकर के चलूँगा, हर चीज़ आपको बताता चलूँगा कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ है। कोशिश करूँगा कि भारत सरकार की सारी योजनाएं पहली भी पुरानी भी उठाऊँ, जो जैसे कि भारत निर्माण योजना है, हर बार क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस में उठा के देख लीजिए, भारत निर्माण से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से, अभी ग्रामीण अस्वच्छता उसमें नहीं था लेकिन अब स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया, अब पूछ लेता है भारत निर्माण में क्या ग्रामीण अस्वच्छता थी, बहुत लोगों को लगता है हाँ थी, गलत करके चले आते हैं। तो पुरानी मनरेगा हो गई, आज भी रिलेवेंट है मनरेगा, बार बार हर बार बजट में उसको लेकर के पैसा एलोकेट किया जाता है, दिखाया जाता है। तो जो पूरा हम योजनाएं पढ़ेंगे, हम राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, हम आर्थिक पढ़ेंगे, हम विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, हम पर्सन इन न्यूज़ से संबंधित योजनाएं पढ़ेंगे, हम भारत सरकार की नियुक्तियां पढ़ेंगे, इस तरीके करके वैश्विक सूचकांक पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करंट में। कोशिश मेरी ये रहेगी कि मैं आपको एक एक टॉपिक को लेकर के चलूँ, बाकी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप न्यूज़पेपर डेली का ज़रूर पढ़ेंगे, कम ही पढ़िए लेकिन पढ़िए, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर बिना पढ़े आपका उद्धार नहीं होगा, कारण है, बहुत सारे प्रोस्पेक्टिव जानने को मिलते हैं, ठीक। इसके अलावा डिजिटल मीडिया, यूट्यूब का कैसे प्रयोग करें आप करंट अफेयर्स के लिए, यूट्यूब के माध्यम से भी, देखो यूट्यूब के माध्यम से आप बहुत नॉलेज गेन कर सकते हैं लेकिन बहुत समय भी बर्बाद कर सकते हैं क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है, तो यूट्यूब पर बड़ा सीमित रहना है। यदि न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद, न्यूज़पेपर तो कंपलसरी है, ये तो पढ़ना ही है, इसको नहीं छोड़ सकते आप किसी भी तरीके से, इसमें बना लीजिए अपना, चाहे राष्ट्रीय संस्करण ले लीजिए, चाहे द हिंदू ले लीजिए, आपकी मर्जी, द हिंदू लेंगे फ़ायदा हो जाएगा, एक लैंग्वेज सीखना शुरू कर देंगे आप, ठीक है। और यदि आप चक्कर में रहेंगे उसी के तो हमेशा कंफर्ट जोन में रहेंगे। जिसको लगता हो यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आता ना, यहाँ पे न्यूज़पेपर लगवा देते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि ले जाएं घर, है ना, यहीं पे रहे, अपना जो है ब्रेक का टाइम होता है, एक द हिंदू लगवा देते हैं और एक राष्ट्रीय संस्करण, और कोई तो इकोनॉमिक्स टाइम्स लगवाया जा सकता है जो हिंदी में आता है, वो भी लगवा दें, इकोनॉमिक्स टाइम्स हिंदी वाला जो आता है, तो तीन न्यूज़पेपर मैं लगवा देता हूँ कल से या परसों से आने लाएंगे। तो आपका जो है न्यूज़पेपर का काम जो है, घर में पढ़िए, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे तो पढ़ ली, मतलब आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है, आपस में साझा कर दिए कि यार जी ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट ही आता है आज के समय में एग्जाम में, तो ये काम आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद मैगजीन वाला काम बिल्कुल नहीं छोड़ना, पांच मैगजीन, पांच पेज, छः पेज, आठ पेज, जो एवरेज आए उसका वो टारगेट करके डेली चलना है। करंट अफेयर्स के लिए डेली एक डेढ़ घंटे निकालने चाहिए आपको, 15-20 मिनट इधर, 30 से 40 मिनट उधर, मैगजीन में बस इतना ही निकालना चाहिए। और संडे के दिन आपको कुरुक्षेत्रा, एक संडे कुरुक्षेत्रा खत्म कर दिए, एक ही आर्टिकल तो है उसका, एक से दो आर्टिकल, एक संडे को कुरुक्षेत्रा, एक संडे को योजना, एक संडे को विज्ञान प्रगति, अभी जैसे साइंस एंड टेक चलेगी आपको विज्ञान प्रगति बताई जाएगी, एक संडे को आपका आईआर चल रहा है, वर्ल्ड फोकस पढ़नी चाहिए आपको, बहुत जबरदस्त मैगजीन होती है वर्ल्ड फोकस, आपको वैश्विक परिदृश्य में उससे अच्छी मैगजीन कोई आती ही नहीं है। अब एक संडे को आप वर्ल्ड फोकस ले सकते हैं, देखो वर्ल्ड बुक अब ये है कि आप साझा भी कर सकते हैं, अब इतना मैगजीन में पैसा भी लगता है भाई, बड़ी महंगी आती हैं मैगजीनें, कलेक्ट करो, पता चला मैगजीन में हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है ना, पता चला 15 दिन खाए हुए हैं, 15 दिन मैगजीन के चक्कर में भूखे पड़े हैं,
मुझे पता है स्टूडेंट के साथ बहुत दिक्कत है, पैसे नहीं होते बुक्स खरीदने तक के, ये कंडीशंस होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि चार लोग चार मैगजीन मिलके ले सकते हैं, एक संडे एक पर्सन यूज की, 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 ठीक है। और इसके बाद उसकी फोटो कॉपी करा के एक दूसरे ले, फोटो खींच लो, फोटो खींच करके आप मोबाइल में सेव करके रख सकते हो, अलग अलग इन्वॉल्व मोबाइल में ही बना लो, आज के समय तो मोबाइल में सब कुछ है, मत फिजिकली बनाओ, मोबाइल में ही कर लो, कर सकते हो आप लोग, इतना तो कम से कम होना चाहिए। आपस में सहयोग कर लो, भाई ये मैगजीन मैं ले लूँगा इस महीने, अगले महीने तुम ले लेना, अगले महीने तुम ले लेना, अगले महीने ये ऐसा मत करना कि कोई वर्ल्ड फोकस खरीद रहा तो कोई योजना खरीद रहा, योजना 20 रुपये की आती, वर्ल्ड फोकस है ना 100 रुपये से ज़्यादा की आती है, अब योजना भी शायद महंगी हो गई, 25-30 की हो गई, ठीक है। इसके अलावा आपका कुरुक्षेत्र है तो ऐसा नहीं करना, अपना एक एक महीने भाई एक महीने मैं लूँगा, इतना मतलब अंडरस्टैंडिंग रहे, पता उसी में कलह किए पड़े कि भाई मैं 100 रुपये की नहीं खरीदूंगा, ये तुम्हारी तो 20 की पड़ रही है ना, वो भी बहुत दिमाग चलता है उन सब चीज़ों में भी। तो आप ये काम कर सकते हो, क्योंकि एक ही एक वीक आप इसको बना के चलना है, एक दिन करंट अफेयर्स डे रखो जिस दिन 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ना है और बाकी की मैगजीन पढ़ना होता है आपको, बाकी के टाइम में आपको, अब देखो शाम के टाइम इंटरटेनमेंट के रूप में रखो यूट्यूब को, यूट्यूब को इंटरटेनमेंट के रूप में कैसे, 3-4 जगह हैं जहाँ से आपको अच्छा करंट मिल जाता है। पहला है राजसभा टीवी, जबरदस्त करंट देता है, राजसभा टीवी का न्यूज़ बुलेटिन सुनना चाहिए, उससे क्या होता है अगले दिन जो 20 मिनट में आपको टाइम कम लगेगा, जैसे ही देखोगे रात का आपने देखा सुबह पचास द हिंदू में वही खबर थी सेम टू सेम। तीसरा AIR FM गोल्ड, 15 मिनट का बुलेटिन आता है, न्यूज़ सुननी चाहिए FM गोल्ड की, बस उसके बिना काम नहीं बनेगा। यदि आपको अपने थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव बनाना है, अपने आप एक कोई दृष्टिकोण विकसित करना है, तो देश देशांतर आपको देखना चाहिए राजसभा टीवी का, देश देशांतर बहुत अच्छा होता है सोर्स के रूप में। उसमें क्या होता है, उस डिपार्टमेंट से होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अच्छे लोगों को बुलाते हैं डिबेट में, बड़ी शांतिपूर्ण डिबेट होती है, ये नहीं कि आप आज तक खोल के बैठ गए वहाँ पे दीपक चौरसिया और दुनिया भर के बहुत सारे लोग परेशान कर देंगे फिर वो, तो आपको बड़ा लिमिटेड मतलब ऐसे लोगों को देखना है जो आपको लगे कि आपके एग्जाम वो पॉलिटिक्स, जब आप राजनीति ज्वाइन कीजिएगा सिविल सर्विसेज को छोड़ करके त्यागपत्र दे करके, तब फिर यही मीडिया सुनना फिर हमारे लिए है, वो UPSC के लिए बट डिसेंट मीडिया चाहिए हमें, उसका समय का सदुपयोग हो। बाकी YouTube का लिमिटेड प्रयोग कीजिए, इतना ही प्रयोग कीजिए जितना आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो, इतना प्रयोग नहीं होना चाहिए उसका कि पता चला पूरा दिन आप उसी में लगे हुए हैं, ठीक है। व्यूज़ पाने के लिए कुछ भी हो रहा है YouTube की दुनिया में, कुछ भी, कोई कोई भी न्यूज़ दे देगा आपको और आप सही मान के बैठ जाएंगे, एक ही न्यूज में ऊपर थंबनेल कुछ लग जाता है, देखने में दिल खुश हो जाता है, अरे इसको देख ही लेते हैं, तो उसको बड़ा लिमिटेड होकर के देखना, इतना संयम आपके अंदर होना चाहिए कि एक चैनल पर रुके रहें आप, पता चला आधे घंटे में राजसभा टीवी का बुलेटिन खत्म होता है, दिमाग में हलचल चल रही है, थोड़ा ट्रेंडिंग देख लेते हैं क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में गए पता चला वहाँ पे भुवन बाम चल रहा है, बीबी की वाइन देखने लगे, वाइन देखते नीचे अमित भड़ाना आ गए, उनको देखना शुरू कर दिया, तो पता चला इसके चक्कर में हो गया आपका, बोले फिर कल पढ़ लेंगे कल देख लेंगे, पेंडिंग होता जाएगा, पेंडिंग करने की आदत छोड़ दीजिए, जो करना है मेरा आज के टास्क ने आज ही कंप्लीट करना है, नहीं तो YouTube की दुनिया आपको बर्बाद कर देगी, संयम बहुत जरूरी है YouTube में, ठीक। चलो अब जो अपना कार्यक्रम है, अपने को क्या करना है, मैं सबसे पहले आपको शुरुआत कराऊंगा सरकारी योजनाओं से, सरकारी योजनाएं हमेशा से ही इंपॉर्टेंट नहीं है करंट अफेयर्स में, कभी भी ऐसा नहीं रहा कि सरकारी योजनाएं महत्वपूर्ण ना रही हों, हर बार कम से कम 5 से 6 सरकारी योजनाओं से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक। सरकारी योजनाएं जो मैं पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक्स मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था, इकोनॉमिक्स में मैंने शायद गरीबी बेरोजगारी वाले चैप्टर को शुरू किया था, बताया था गरीबी बेरोजगारी ये सब चीज़ें, उससे भी ये योजनाएँ सारी जुड़ जाएंगी, इकोनॉमिक्स के टॉपिक से जुड़ जाएंगी सारी है, क्योंकि वो करंट अफेयर्स का ही विषय होता है। तो यहाँ पे मैं योजनाएँ सब लूँगा, मंत्रालयों वाइज भी योजनाएँ लूँगा, इसके अलावा पहले तो पुरानी योजनाएँ मैं मंत्रालय वाइज नहीं लूँगा, जो फेमस योजनाएँ हैं उनको मैं आपको पढ़ा दूँगा एक तरफ से, ठीक है। तो आपको पहले सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझाऊँगा कि सरकारी योजनाएँ कितने प्रकार की होती है, हेडिंग डाल लीजिए करंट अफेयर्स में सरकारी योजनाएँ, सरकारी योजनाएं। मैं देखिए कोशिश मेरी ये है कि मैं डीप पढ़ाऊं भाई, मुझे टाइम लगता है, मैं समय लेता हूं, मेरे पास ये नहीं कि मैं आपको बता दूं ये योजना इससे फिर मास्टर वीडियो देख लीजिएगा ज़्यादा बढ़िया है।
लेकिन मेरे साथ दिक्कत है, बच्चे दोगली बात करते हैं मुझसे। एक तो ना तो मास्टर वीडियो संतुष्ट होते जबकि मैं उसमें पूरी जानकारी देता हूँ, एक डेढ़ घंटे दो घंटे में कोई क्लेम नहीं कर सकता कि क्या चीज़ें बची हैं। दूसरा, मैं डिटेल पढ़ाना शुरू कर दूँ तो इधर बोलते सर जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं जाऊँ किधर? क्रैश कोर्स भी मैं कराता हूँ कम समय में भी, चार चार पाँच पाँच दिन में भी टॉपिक कम्प्लीट कराता हूँ। तो आप लोग कम से कम मेरे साथ, यदि अब करंट चालू हो रहा है तो इसके लिए संयम बरतिएगा, ऐसा ना हो कि आपका जो है ये कंडीशन हो जाए आपकी कि बस, समझ रहे हैं, संयम बरतिएगा कि सर जी ये है वो है इतना है उतना है, इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे, ये है वो है। पढ़ रहे हैं, यदि मुझसे पढ़ रहे हैं तो फिर इतना ही कराऊंगा मैं, मुझे जितना टाइम लगेगा उतना आराम से इत्मीनान से लेके चलेंगे, समझ रहे हैं ना बात को? कोई यदि इधर उधर किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं वैसे इसीलिए कार्यक्रम शुरू नहीं करता क्योंकि मेरे कार्यक्रम ख़त्म नहीं होते, एक बार शुरू हो गया तो मैं खुद टेंशन में आ जाता हूँ कि अब ख़त्म करूँ कैसे। मैं बहुत चिंतित रहता हूँ ज्योग्राफी को लेकर, मैं इतना चिंतित हूँ अभी कि अब कब ख़त्म होगी, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही, नया टॉपिक खुद दिमाग में आ जा रहा है, अरे ये भी बच रहा है चलो इसे भी करा दे। आप लोग वो व्यक्ति हो कि खुद से कुछ नहीं पढ़ना चाहोगे, जितना लिखवा दिया जाए जितना छपवा दिया वो प्रसन्न हो, यदि कह दो कि समझाई दो सर जी ये भी बहुत बढ़िया रहेगा तो भी नहीं मानोगे। तो फिर टाइम लग रहा है तो टाइम का आनंद लीजिए, ठीक है? चलिए, सरकारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं दो प्रकार की होती हैं। देखो, हम राज्य स्तर की बात नहीं कर रहे, हम केंद्र स्तर की बात कर रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे। कुछ तो राज्य सरकारें भी अपनी पर्सनल योजनाएं निकालती हैं, हम उस लेवल पे नहीं जा रहे हैं। लेकिन जो बड़े स्तर की योजनाएं दो प्रकार की होती हैं, पहली होती है केंद्रीय योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं, और दूसरी होती हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। दो प्रकार की योजनाएं होती हैं, एक होती हैं केंद्रीय योजनाएं, केंद्रीय योजनाएं, दूसरी होती है केंद्र प्रायोजित योजनाएं, प्रायोजित योजनाएं। अब कोई बताए अंतर, आप शुरू करते हैं, क्या अंतर है इन दोनों योजनाओं का, केंद्रीय योजनाएं और केंद्रीय केंद्र प्रायोजित योजनाओं में क्या अंतर है? सबसे पहली बात, इसमें इसका वित्त पोषण कौन करता है केंद्रीय योजनाओं का? 100% केंद्र सरकार, अभी लिखना नहीं है कुछ भी, सब लिखवाऊंगा। दूसरी, इसकी कौन करता है? इसमें एक अनुपात होता है 75:25 केंद्र सरकार का, 75 राज्य सरकार का, एक अनुपात, एक रेशियो होता है, जो रेशियो तय हो गया योजना में उसी रेशियो पे होता है कि इतना पैसा कि राज्य लगाएंगी इतना पैसा केंद्र। अच्छा, संचालित कौन करता है, इसको संचालन कौन करता है केंद्रीय योजना का? केंद्र सरकार करेगी। राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं का को कौन संचालित करेगा? राज्य सरकार, इनका संचालन का काम राज्य सरकार का होता है, ठीक। और बताइए, जैसे मनरेगा केंद्रीय योजना नहीं है, केंद्र प्रायोजित योजना है, बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि कौन सी योजना है और किस लिए है। बहुत सारे लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा में कुछ, अरे पूछो उसको, पता तो हो कौन संचालित कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा दे दी ऊपर से। आगे, अभी एक एक नेक्स्ट, अगला बताइए विषय कौन से होते हैं? ये जितने भी होंगे ये संघ सूची के विषय पर बनती है, केंद्रीय योजनाएं संघ सूची के विषयों पर बनाई जाती है, और ये राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय पर बनाई जाती हैं। समवर्ती सूची प्लस राज्य सूची केंद्र प्रायोजित योजनाएं, राज्य सूची, ठीक। यहाँ पर भी समवर्ती सूची हो सकती है क्योंकि केंद्र सरकार समवर्ती सूची पर भी केंद्र परियोजनाएं बनाती है। तो कुछ चीज़ें लिखिए इसमें, अब लिखिए केंद्र सरकार की योजनाओं को केंद्रीय योजनाओं और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्र सरकार की योजनाओं को केंद्रीय योजनाओं तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं में वर्गीकृत किया जा सकता है, वर्गीकृत किया जा सकता है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ना, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है,
उनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। जो कि मुख्यतया संविधान में दी गई अनुसूची सात क्या अनुसूची सात शक्तियों का विभाजन है ना, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों के बारे में विस्तृत विवरण है। अनुसूचियाँ समझते हैं ना, है ना, 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी जो कालांतर में बढ़कर के 12 हो गई। अनुसूची 5 क्या है? किसका संकट? क्लास का संकट? अच्छा, ये सब संकट में आ गए। अनुसूची 5 नहीं पता? क्वालिटी पढ़ाई नहीं गई, सब दुखी आत्मा। बहुत समय बढ़िया है, किसी को नहीं पता। किसी दिन आप भरे रोड में बड़े समाज में बेइज्जती कराओगे, कभी यदि आप लोगों को मौका मिला तो इतनी बड़ी बेइज्जती कराओगे कि कुछ कहने बने। हाँ, कहाँ गए? अच्छा, आपको खुद नहीं पता कि आपका क्या ऑप्शनल है? गजनी हो गए, पवाहेड में भी पॉलिटी है। अच्छा, छोड़ दिए। नहीं, ये सब लव एंड अट्रैक्शन, मैंने बताया था ना, अट्रैक्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे 3-4 ऑप्शन और चला दिए जाए तो वहाँ भी बैठ लेंगे धीरे धीरे, पता ही नहीं कि कौन सा ऑप्शनल काम आएगा। 22 हैं, 22 लोगों से प्यार हो सकता है ना, ऐसे नहीं करते। एक अपना क्लियर रखिए, उसके साथ अंत तक जुड़े रहिए ऑप्शनल के साथ। ऐसा नहीं होता कि आज इसको लिए कल छोड़ दिए, मजाक चल रहा है। फिर नया पढ़े फिर छोड़ दिए। अरे, कोई भी ऑप्शनल बुरा नहीं है, सब ऑप्शनल अच्छे हैं। करने जिसमें इंटरेस्ट आए एक ही लो। ऐसा नहीं कि आज इसमें मजे ले लिए, कल उसमें बैठ गए 4 दिन, फिर उसमें बैठ गए, एग्जाम के टाइम पता चल नहीं लगता सारे दे दें, कोई नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। समझ में कहाँ से आएगा, दिमाग है नहीं, पहले दिमाग खरीदिए। घर वालों से कहिए कि दिमाग में हमारे थोड़ा खर्चा करें, शंख पुष्पी, ब्राह्मी, बादाम, है ना, ये सब बहुत सारी जड़ी बूटियाँ आती है रामदेव बाबा की। हाँ, नहीं नहीं किसी बाबू डाबर की ले लीजिएगा, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, मुझे नहीं पता, मुद्दे का राजनीतिकरण करा लीजिए। अनुसूची 5 क्या था? अनुसूची 5 में जो अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ पे प्रशासन कैसे होगा? अनुसूची 6 असम, मेघालय, AMTM मैंने आपको बताया था, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 क्षेत्रों में कैसे प्रशासन होगा? भारत बंद तो मजाक बन गया है, जिसको हुआ एक लाठी उठाया, भारत बंद करा दिया। भारत जैसे कि मतलब कोई, चलो छोड़िए, अभी इधर नहीं चलते, आगे। तो संघ सूची में मैं क्या लिखवा रहा था आपको, कहाँ पे हैं? हाँ, संघ सूची पर, हाँ लिख लीजिए, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं भारतीय संविधान में दी गई अनुसूची 7 के संघीय सूची में उल्लिखित विषय पर बनाई जाती है। नेक्स्ट, केंद्र प्रायोजित योजनाओं को अब दूसरी है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड है ये, स्पॉन्सर कौन कर रहा है इनको? स्पॉन्सरशिप कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। ये केंद्रीय योजना है नहीं, सेंट्रल स्कीम अलग चीज़ है, स्पॉन्सर्ड स्कीम अलग चीज़ है, ठीक है, पैसा दे देगा वो, करो आप करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप में
केंद्र सरकार द्वारा आंशिक रूप में वित्त पोषण किया जाता है तथा वित्त पोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। वित्त पोषण का एक निश्चित प्रतिशत राज्यों द्वारा वहन किया जाता है। वहन किया जाता है प्रत्येक योजना के लिए, प्रत्येक योजना के लिए, प्रत्येक योजना के लिए केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण के अनुपात में भिन्नता हो सकती है। वित्त पोषण के अनुपात में भिन्नता हो सकती है। अनुपात में भिन्नता हो सकती है जैसे 50-50, कुछ योजनाएं होंगी जिसमें 50% केंद्र 50% राज्य, जैसे 50:50, 50:50, जैसे 70:30, जैसे इसी में लिखे 75:25, जैसे 90:10, 90:10, 10% केंद्र 90% राज्य, पहले निर्धारित हो जाता है कितना राज्य को देना है कितना केंद्र को देना है। नेक्स्ट, आम तौर पर केंद्र सरकार पर अधिक बोझ पड़ता है, आम तौर पर केंद्र सरकार पर अधिक बोझ पड़ता है इसलिए आम तौर पर केंद्र सरकार पर अधिक बोझ पड़ता है इसलिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन की इसलिए इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है। ठीक है, नेक्स्ट, जब तक वे केंद्र की जिम्मेदारी में नहीं आती हैं, जब तक वे केंद्र की जिम्मेदारी में नहीं आती हैं, यानी कि संघ सूची में नहीं आती हैं। केंद्र की जिम्मेदारी का मतलब संघ सूची, यानी कि संघ सूची में नहीं आती है। नेक्स्ट, इन योजनाओं का निर्माण केंद्र द्वारा, इन योजनाओं का निर्माण केंद्र द्वारा कल्याणकारी गतिविधियों, कल्याणकारी गतिविधियों तथा कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु, कल्याणकारी गतिविधियों तथा कुछ क्षेत्रों को प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है या राज्यों को प्रोत्साहित करती हैं, प्राथमिकता देने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करती हैं। नेक्स्ट, प्रत्येक नियोजन वर्ष की समाप्ति पर, अब तो नियोजन बड़े स्तर का हो गया, 3 वर्षीय, 7 वर्षीय, 5 वर्षीय, 15 वर्षीय, प्रत्येक नियोजन वर्ष की समाप्ति पर इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है, इन योजनाओं की समीक्षा की जाती है। तथा प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के द्वारा,
प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के द्वारा, वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। कार्य क्या है वित्त आयोग का? वित्त आयोग का काम यह है कि राज्य और केंद्र के बीच धन का आवंटन हो, है ना, जो राजस्व है उसको किस प्रकार से बांटना है, क्या रेशियो होगा, क्यों होगा रेशियो, ये भी कि क्या कारण है, तो वो सारी चीज़ों का एक फार्मूला क्रिएट करता है वित्त आयोग। तो फाइनेंस कमीशन ये देखता है कि जो योजनाएं चूंकि राज्य प्रायोजित हैं, केंद्र प्रायोजित हैं, तो केंद्र प्रायोजित योजनाओं को केंद्र सरकार कितना पैसा दे, क्यों दे, क्या जरूरत है, उसके लिए भी इन योजनाओं की समीक्षा वो भी करता है, ठीक है। तो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है ठीक है। नेक्स्ट आगे, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा को छोड़कर, ये देखिए एक क्वेश्चन है अपने आप में, ये आमतौर पे हम लोग नहीं जानते, शायद आप जान जाएं। मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत मनरेगा को छोड़कर सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम तिथि पूर्व निर्धारित होती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं की अंतिम तिथि पूर्व निर्धारित होती है, इसका मतलब समझे कि यदि कोई योजना निकलेगी तो कितनी अवधि में आपको उसको कंप्लीट करना है, कब तक, उसके क्या लक्ष्य हैं, लास्ट डेट निर्धारित होती है। मनरेगा में नहीं है, मनरेगा भी केंद्र प्रायोजित है लेकिन उसमें कोई लक्ष्य नहीं बनाया गया, क्योंकि वो निरंतर चलने वाली है तब तक जब तक आप रोजगार देना है हमें, है ना, अकुशल श्रमिक रोजगार देना है मनरेगा के तहत। तो जो भी योजना केंद्र प्रायोजित होंगी उनकी डेट क्लियर रहती है कि लास्ट डेट है, इस लास्ट डेट में आपको इतना कुछ कर देना है भारत के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, हमने लक्ष्य निर्धारित किया 1922 तक हमें ये कर, 2022 तक ये कर देना है सभी को आवास, किसानों की आय दोगुना करना है, उसके लिए भी एक लक्ष्य, सबके लिए टाइम है। अभी जैसे ये था स्वच्छ भारत अभियान, लास्ट डेट आने वाली है इसकी 2 अक्टूबर 2019, इसी साल अंतिम वर्ष है, तो सारे राज्य लगे हुए अपने यहाँ पे ओपन डेफिकेशन करने के लिए, सभी राज्य अपने आप को वहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर जो है कार्य चल रहा है। तो जब लक्ष्य निर्धारित, इसका एक टारगेट ईयर दे दी जाता है, उस टारगेट ईयर के अंदर अंदर करना होता है। तो मनरेगा ये क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, कि कौन निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो केंद्र प्रायोजित होने के साथ साथ जिसका पूर्व लक्ष्य निर्धारित नहीं, मनरेगा, ठीक। आगे नेक्स्ट इसको, फिर इसके बाद हम योजनाएं देखेंगे। हालांकि यह तिथि समीक्षा के बाद आगे भी बढ़ाई जा सकती है, टारगेट बहुत सारे तो यही होता है, ज़्यादातर बढ़ती हैं, यह तिथि समीक्षा के बाद आगे भी बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का, ये तो केंद्र प्रायोजित योजना में हो गया कि अंतिम तिथि होती है, क्या केंद्रीय योजनाओं की अंतिम तिथि होती है? केंद्र प्रायोजित योजनाओं में हमने ये जाना कि इनकी अंतिम तिथि होती है, केंद्रीय परियोजनाओं में होती होगी अंतिम तिथि? केंद्रीय योजनाओं में, अच्छा केंद्र प्रायोजित में क्यों होती है? क्योंकि पैसा किसको देना है? केंद्र भी देता है, दोनों मिलके दे रहे हैं, तो पैसा जब किसी और को भी देना होता है तो पहले तय करके रखता है कि भैया काम टाइम, जैसे आपके पिताजी हैं फंडिंग को करते हैं, तो तय करके रखे हो कि बेटा 2 साल में हो जाएगा ना, लेकिन यदि फंडिंग मुझे को करनी हो, जैसे मैं हूँ, कोई तय नहीं है कब तक होगा, तो क्या होता है कि जब आप खुद, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद की योजना क्यों डेट लास्ट तय करेगी, वो तो उसी की योजना, उसी को फंड करना, उसी का काम है, जल्दी भी अचीव कर ले, बाद में अचीव कर ले, लेकिन जब फंड कोई दूसरा देता है तो तय कर देता है कि भैया इतने दिन में लौटा देना, 2 साल के अंदर अंदर व्यवस्था कर लेनी चाहिए ये, इसलिए। तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना होती है, उनकी लास्ट डेट नहीं होती है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गई आपको, ऐसे बेसिक जानकारी देनी चाहिए थी तो मैंने दे दी, गड़बड़ तो नहीं करेंगे, जान गए दो चीज़ें। अब नेक्स्ट डालिए, योजनाओं को, भारत सरकार की योजनाओं को, भारत सरकार की योजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, भारत सरकार की योजनाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं। दूसरा, वर्तमान सरकार की योजनाएं।
वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है। देखो एक चीज़ बताऊं, अब मैं उसका पूरा खर्रा नहीं लिखाऊंगा किसी भी योजना का, उतना ही लिखाऊंगा जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है। हर बार चार बातें पूछ रहे, चार ही बात लिखवाऊंगा, पांचवी नहीं लिखवाऊंगा। ध्यान रखिएगा, इतना टाइम नहीं है इसमें, करंट अफेयर्स में लिमिटेड पढ़ाऊंगा, बस इनफ, बस उतने पे ही खुश हो जाना। बाकी जिसको ज़्यादा ज्ञान लेना हो नेट में सर्च करे, पूरा पढ़े, 3-4 पेज की होती है, ठीक। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, पिछली सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएँ, ठीक है। तो इसमें पहली योजना का हेडिंग भी डाल लीजिए, भारत निर्माण कल करेंगे। पहली योजना है भारत निर्माण।